हेलो स्टूडेंट्स, अब तक आपने इंडेफिनिट इंटीग्रल के सारी बेसिक चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। आज यहाँ पर आईटीजी के वो क्वेश्चन पढ़ाने वाली हूँ जो 2017 में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल के वो क्वेश्चन जो 2017 में आए हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लेंथी, पर ये क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आपका सॉल्व होगा। कैसे स्टार्ट करते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, एच स्क्वायर माइनस वन अपॉन एस क्यू रूट के अंदर दिया गया है 2s की पावर 4 2s स्क्वायर प्लस 1। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल के थ्रू, तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। बस स्टूडेंट, आप इसको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। यहाँ पर क्या है, आपको मैं सबसे पहले डेमो करके दिखाती हूँ कि इस क्वेश्चन को कम टाइम में कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके बाद इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी कि यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक आखिर क्या इस्तेमाल की गई है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट देखा, ये क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम पर आपका सॉल्व हो गया है। आखिर इसमें क्या किया गया, अब इसको पूरा डिटेल से बताते हैं। आपको क्या दिया गया, क्वेश्चन इस टाइप का दिया गया। आपको ये देखना है, आप इसकी वैल्यू को यहाँ पर लिख दीजिए 2s की पावर 4 2s स्क्वायर प्लस 1। आपको ये दिया गया, आप क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो आपका क्या बच गया, एस की पावर 4 एस स्क्वायर प्लस 1। आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका अगर कॉमन ले लेंगे आपको ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, आपको इसका डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पर हो जाएगा 4s क्यू, यहाँ पर हो जाएगा 2s स्क्वायर, आपका ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है। ये चीज़ आप अपने माइंड पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ का यूज़ हमें आगे करना पड़ेगा। अब आप क्या करें, आपको ये वैल्यू दी गई है, आपने इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस की पावर 4, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको आप टी मान लीजिए। जब आपने इसको टी माना तो आपका ये वैल्यू इस टाइप की आ गई 4 अपॉन एस क्यू 4 अपॉन एस की पावर 5 डी एस इज टू डी टी। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर 1/4 को कॉमन ले लेंगे। इसको आपने टी माना था, रूट था, तो क्या हो गया डी टी अपॉन रूट टी प्लस सी। अब आप क्या करें, यहाँ पर 1/4 इसको यहाँ पर क्या, रूट टी का क्या हो जाएगा, रूट टू टी प्लस सी। टी की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे ये रख दीजिए रूट के अंदर 2s की पावर 4 2s स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमेशा इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको इस चीज को लेकर के पूरी वैल्यू सॉल्व करनी है। अगर आप इसको लेकर के सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा और बहुत ही कम टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दिया गया है। जैसे दिया गया इंटीग्रल एल एन एक्स डी एक्स इक्वल किसके है, 0 लेस देन एक्स लेस देन 1, इसके लेस देन है। आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं वहीं से डेमो करके दिखाती हूँ क्वेश्चन कैसे इजीली सॉल्व होता है, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। Thank you.
आपका ये क्वेश्चन रहा। अब इस क्वेश्चन को आपने देखा बहुत ही इजीली टाइम पे सॉल्व हो गया, आखिर क्या किया गया है इस क्वेश्चन में, क्या है आपको ये वैल्यू दी गई है और इस पर दिया गया कि जीरो से वो लेस देन होना चाहिए एक्स और वन से, आप क्या करेंगे इस वैल्यू को लिख देंगे यहाँ पर एल एन एस। अगर इसको इंटीग्रेट होता है LNS का, अगर इंटीग्रेट आप करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का LNS आपका ये हो गया। उसके बाद आपने इसको माइनस साइन बाहर कर दिया, यहाँ पर क्या होगा LNS dx। अब आप क्या करेंगे, अगर LNS सिर्फ एक है तो वहां पर एक ना एक यहाँ पर पॉइंट एक का होगा, अगर वन का इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाता है यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर माइनस का x, यहाँ पर हो जाएगा LNS x प्लस सी, माइनस माइनस अंदर गया तो क्या हो गया x प्लस LNS x प्लस सी, ये रहा आपका आंसर। अब इसी में लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिया गया है एफ एच इज इक्वल टू 1/3 + 5 साइन एक्स और 3 cos x और आपको पास किया जा रहा है 0.2 लैग से। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आपको फंक्शन भी दिया गया और इसमें जो लाइन पास हो रही 0.0 से पास हो रही, आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप थोड़ा सा इंटरचेंजमेंट करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व करके दिखाते हैं, उसके बाद इसे पूरा एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट देखा बहुत ही कम टाइम पे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन में आखिर क्या अप्लाई किया गया, इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको थोड़ा सा इंटरचेंजमेंट करना है। कैसे, आपको ये देखना है यहाँ पर क्या दिया गया है साइन, यहाँ पर क्या दिया गया कॉस, और जब भी आपको साइन और कॉस में दिया गया उसके बाद कोई फंक्शन है तो आप आपका यहाँ पर फॉर्मूला होता है जो लास्ट की वैल्यू होती है इसको अपन में बेस करके इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं x बाई टू से। तो कैसे, जैसे यहाँ पर cos है, cos को अगर हमने अपन भेजा तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेट ये हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई टू। ओवरऑल ये तो एक फॉर्मूला होता है कि हमें जो यहाँ पर cos है cos को अपन भेजेंगे तो ये हमारा sec में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा sec स्क्वायर में जाएगा। बट यहाँ पर आप इसको ईजिली कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आपका काफ़ी ज़्यादा टफेस्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करने का ये तरीका है कि जब भी आपको क्वेश्चन इस टाइप का दिया जाए, इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको ये पता है साइन और कॉस है तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है टेन हो जाता है, वन अपॉन कॉस क्या होता है सेक होता है, ये आपको इजीली पता है। बट जब आपको यहाँ पर एक्स बाई टू कर दिया जाता है तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होगा अगर एक्स बाई टू कर दें यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, नीचे साइड क्या आ जाएगा यहाँ पर फाइव था, फाइव इंटू टू टेन, यहाँ पर हो जाएगा टेन, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन साइन अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा टेन, तो टेन एक्स बाई टू, थ्री इंटू टू क्या हो गया सिक्स आपका ये हो गया। अब आपको क्या करना है इनका इंटीग्रेट करना है। कैसे, अब आप यहाँ पर देखें
यहाँ पर है इस x by 2 से 2 से यहाँ से कट गया, क्या आ गया 1 by 5, तो क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगी वैल्यू, इंटीग्रेट होगा तो क्या आ जाएगा ln x tan। यहाँ पर sec है, sec square इसका क्या हो जाता है tan x हो जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा dat tan आएगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे tan x by 2, इससे ये कट गया, यहाँ पर हो जाएगा 3 plus c। अब इसको आप इस तरीके से लिख दीजिए 1 by sec lx, यहाँ पर हो जाएगा 5 by 3 tan x by 2 plus c, आपको ये आया। अब आपको पॉइंट क्या दिया गया, पॉइंट यहाँ पर दिए गए 0,0, जो अगर पास हो रहा होगा तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट आपको क्या आएगा, 0 आएगा। आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए y बराबर 1 by 5 ln x, मॉड के अंदर आपका क्या जाएगा 1 plus 5 by 3 tan x by 2, c की वैल्यू कॉन्स्टेंट थी तो यहाँ पर c is equal to 0 हो गया। आप हमने देखा ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। अब इसे स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, इस क्वेश्चन में क्या है, इंटीग्रेट x की पावर 4 x की होल पावर 1 by x अपॉन क्या है x की पावर 5 dx इज इक्वल टू, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जस्ट वही जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया था कि जो भी अपर वैल्यू होगी उसको उसके अपॉन दे देंगे, इसमें भी जस्ट आप वही करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं डेमो करके नहीं दिखा रही, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रही हूँ, ओके। इस टाइप का क्वेश्चन आप पहले सॉल्व कर चुके हैं, इसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से करेंगे, यहाँ पर आपने कॉमन एक्स ले लिया, क्या हो जाएगा 1 अपॉन एस की पावर 4, यहाँ पर हो गया 1 बाई 4, ये हो गया एस की पावर 5 डी एक्स। अब आप इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा एक्स की पावर, ये हो जाएगा एक्स की पावर 4। अब आप क्या करेंगे, 1 अपॉन 1 बाई एक्स क्यूब को आप टी लेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, तो यहाँ पर टी के पावर जब 4 हो जाएगी आपकी, क्योंकि यहाँ पर पावर कितनी गई है 1 बाई 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा टी की पावर 4, तो आप जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 अपॉन एक्स की पावर 4 और डी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 4t क्यूब dt। अब इसमें आप क्या करेंगे 4 बाई 3 रख देंगे, 4 बाई 3 पॉइंट कितना था एस कॉमा 0, तो टी इंटू टी क्यूब डी टी क्या हो जाता है टी क्यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा टी की पावर 4, तो 4 बाई 3 एस कॉमा 0 टी की पावर 4 डी टी, उसके बाद क्या होगा 4 बाई 3 टी की पावर 5 अपॉन 5 एस कॉमा 0। आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपको एक्स दिया गया है, अब इसको आप एक्स मान लीजिए या फिर यहाँ पर 1,0 भी ले सकते हैं, आप इसको यहाँ पर 5 है यहाँ पर 3 है मल्टीप्लाई कर देंगे 4 बाई 15, और आपने यहाँ पर टी की वैल्यू क्या मानी थी 1 माइनस एस स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1 माइनस 1 अपॉन एस क्यूब प्लस सी। स्टूडेंट ये चीज़ है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब अगर आपके माइंड में आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन को क्या के मतलब फर्स्ट क्वेश्चन से कैसे रिलेटेड है, जस्ट वैसे या उस फंक्शन में देखा गया था जो हायर पावर हमने वहाँ से एक चीज़ कॉमन ली थी 2 कॉमन लिया था, उसके बाद उसकी वैल्यू को सबके अपॉन भेजा था, इसमें भी जस्ट आपने वही किया है, यहाँ से आपने एक्स कॉमन ले लिया, उसके बाद आपने एक्स की वैल्यू से ऐसे डिवाइड कर दिया वो वैल्यू मिल दी, उसके बाद आपने पर्टिकुलर एक चीज को टी मान लिया, उसका डिफ्रेंशिएट किया, उसके बाद आपने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। ये क्वेश्चन आपका 2070 पार्ट 3 में आया हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल जो इनडेफिनिट इंटीग्रल का थोड़ा सा टफेस्ट क्वेश्चन में आते हैं,
आप इनडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं डेफिनिट इंटीग्रल को ज़्यादा बेसिक में ना पढ़ा करें, क्योंकि उसके कुछ क्वेश्चन होंगे। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इनडेफिनिट के थ्रू।